और ये मैं एंटर हो चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है गाइड। जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो भाई साहब से मैंने पूछा है बच्चे के साथ जो है, बाकी क्राउड दिखा देता हूँ आपको। यार मुझे घोड़े बहुत मजे का लग रहे हैं, घोड़े पे दिल आ गया यार। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कैमल कैमल कैमल, ऊंट की मंडी है भाई साहब। मैंने अभी जो है ना इसका जो है ना रेट चेक किया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपका भाई अफगानिस्तान की सीरीज स्टार्ट कर चुका है, ऐसी सीरीज के साथ जो है ना आज की न्यू ब्लॉग का आगाज शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अभी जो है ना आगे बढ़ते हैं, मैं अभी आया हुआ हूँ माल मंडी, ठीक है, अफगानिस्तान माल मंडी पे, ठीक है। आज जो है ना बड़े माल बड़े जानवरों के जो है ना रेट से आपको आगाह करेंगे, क्या रेट चल रहे हैं, महंगे हैं सस्ते हैं क्या रेट है। और मैं अभी व्लॉगिंग में मसरूफ था कि सामने घोड़ा खड़ा है, ठीक है, इसने लात मार लेना था तो मेरा काम बन जाता था। बाकी अभी देखिए आप तो मस्ती भी कर रहा है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या सीन है। बाकी जैसे मैं एंटर हुआ हूँ, ठीक है, घोड़े आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, बाकी हर एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि लेले बकरे वगैरह, और आगे जाएँगे तो गधे भी आए हुए हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं गाय से, तो देखते हैं गाय का क्या रेट चल रहा है। गाय से पहले यार मुझे यहाँ से गुजरना पड़ा क्योंकि ये रास्ते में आता है गधों का बाज़ार है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम ही है कि यहाँ जो अफगानिस्तान जो है ना थोड़ा सा गरीब मुल्क है, इसलिए जो है ना ज़्यादातर लोग इस पर सफ़र करते हैं, तो इसकी भी काफ़ी वैल्यू है यहाँ पे, काफ़ी मार्केट है, लोग लेते हैं चेक करते हैं। जैसे ट्राई नहीं होता मोटरसाइकिलों में, जैसे ट्राई मारते हैं वही सीन है यहाँ पे, ट्राई मार के आ गया भाई। ये साइड पर जो है ना आपको फुल क्राउड देखने को मिल रहा है, ये सारा खोतों का गधों का माल मंडी है, ठीक है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गाय की तरफ, ठीक है, गाय मंडी देखते हैं गाय का क्या रेट चल रहा है, बाकी आप लोगों को गाय के रेट से आगाह करते हैं। और ये मैं एंटर हो चुका हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है गाय, और काफ़ी क्राउड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आगा ना अच्छे दिवस हों चंदने के, हाँ शिवपन। जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो भाई साहब से मैंने पूछा है, ठीक है, 35,000 अफगानी रुपीज़ में बोल रहा है, 35,000 छा असल में सस्ता है यार, गाय तो बहुत कम रेट है, ठीक है, मतलब रेट काफ़ी सस्ते हैं बच्चे के साथ जो है ना 35,000 अफगानी करेंसी में। और बाकी इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसके, ठीक है, फुल माहौल है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुर्बानी का जो है ना कुर्बानी ईद आ रहा है, सर पे कुर्बानी ईद है, तो काफ़ी क्राउड भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी क्राउड है, ठीक है, कोई लेने आ रहा है कोई बेचने आ रहा है, तो शोल मेला जारी है। बाकी देखते हैं रेट जैसे जैसे पूछेंगे और जैसे जैसे सुनने को मिलेगा आपको जो है ना इन्फॉर्म करेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं मैं नोट कर रहा हूँ ज़्यादातर छोटे लाए हुए हैं। नाच दियो सुन आप छन में नाच दियो सुन बहुत से किस्म। बाकी बच्चे के रेट जो है ना काफ़ी हाई है, 28,000 रुपये बता रहे हैं, वो 35 बता रहा था, ये बच्चा एक सिंगल में जो है ना 28,000 बता रहा है, हालांकि वो माँ समय जो है ना 35,000 रुपये बता रहा था। बाकी वो जो है ना थोड़ा सा रेट ज़्यादा बता रहा है यार, बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे। अफगानिस्तान अफगानिस्तान मवेशी मंडी, जानवरों की मंडी है, काफ़ी क्राउड है, ओए ओए ओए, बाकी क्राउड दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस समझ आ गया है कि यार रेट जो है ना अगर बड़ा गाय लिया जाए तो वो सस्ता पड़ सकता है, लेकिन यार सर पे कुर्बानी है तो आने वाले दिनों में इसके रेट हाई हो सकते हैं, तो आने वाले दिनों में रेट ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी का रेट जो चल रहा है ना यही, अगर बड़ा गाय लिया जाए तो 35-40 के आसपास, 45 तक, 45 का रेट चल रहा है, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं गाय का हाइट इतना ही है, सारों को गाय का हाइट जो है ना थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, बाकी हाइट क्या है, बाकी हाइट देख पा रहे हैं, एक हाथ जो है ना मुझे लगता है कि बड़े भी होंगे इनमें, लेकिन मुझे थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये था, तो ये है गाय मंडी, ठीक है, लगभग 40-45 हज़ार रुपये, ज़्यादातर 40,000 रुपये रेट है, ठीक है, गाय के।
तो अभी चलते हैं। मुझे जो है ना यहाँ पे ऊंट दिखा है, ऊंट की मंडी चेक करते हैं, ऊंट का क्या सीन चल रहा है। तो अभी मैं जो है ना ऊंट की तरफ जा रहा हूँ, यानी ऊंट को देख के आते हैं ऊंट क्या रेटेज है यहाँ पे। तो वैसे मैंने आज तक ऊंट की मंडी तो नहीं देखी, तो अभी देखते हैं क्या सीन है, क्या रेट है ऊंट का। वो सामने अगर आप कैमरे में नजर आ रहा होगा, वो सामने देख पा रहे होंगे आप, ऊंट की मंडी है, ठीक है जी। तो अभी जाते हैं वहाँ पे, देख के आते हैं क्या सीन है। बाकी मुझे घोड़े बड़े मजे के लगे हैं यार, घोड़े माशाल्लाह आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। साइड है घोड़ों का, वो सामने देख पा रहे हैं वो कैमल ऊंट का है और ये घोड़ों का है। इस साइड पे घोड़े, इस साइड पे गधे हैं, दोनों साइड पे गायें, और बस मिक्सअप है सारा। सारा जो है ना एक ही एरिया पे इन्होंने डेरा बनाया हुआ है, यानी गायें, बकरी, ऊंट और ये घोड़े, ये सारे यहीं पे इन्होंने डेरा बनाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी बड़ा एरिया है, बाकी कार पार्किंग अलहदा इन्होंने रखी हुई है साइड पर। तो यार मुझे घोड़े बहुत मज़े का लग रहे हैं, घोड़े पर दिल आ गया यार। तो बहरहाल अभी चलते हैं ऊंट की तरफ, वो सामने ऊंट है और ये सामने कैमल की मंडी है, ठीक है। ऊंट है ये, देखें यहाँ से शुरू होता है, छोटा बच्चा एंड साइड पे दो बड़े, और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कैमल 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 ऊंट की मंडी है भाई साहब। होए 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 दबंग 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 वाला सीन है। तूफान भी आ गया यार, हल्की हल्की हवा चल पड़ी। लगता है यार कह रहा है कि मुझे शूट करो, मेरी वीडियो बनाओ। ओए हॉर्स राइडिंग ट्राई कर रहा है, लगता है ये बंदा लेने लगा है। तो हाँ यहाँ पे यही सीन होता है कि अगर कुछ लेने लगता है तो, जैसे कि मोटरसाइकिल का राइड नहीं करते हैं, ट्राई मार के आते हैं, तो यहाँ पे जानवरों को भी यही सीन है, ट्राई मार के आते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो ये सारा यहाँ पर भी चलता है, ठीक है। तो मैंने अभी जो है ना इसका जो है ना रेट चेक किया है, ठीक है। ये जो बना रहा था कि मेरी वीडियो शूट करो, तो ये भाई साहब जो है ना बता रहा है कि 50,000 रुपये अफगानी है, कुछ भी नहीं है यार, 50,000 अफगानी में ये दे रहा है। मुझे लगता है कि बच्चा होगा इसका, तो फुल बड़ा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सस्ता लग रहा है मुझे। बाकी 50,000 रुपये अफगानी कुछ भी नहीं है यार, देखा जाए तो इनका गोश्त, पता चला है कि इस साल 2023 में माल सस्ते हैं, बहुत ही इंतहाई सस्ते हैं। वो इसलिए कि यार थोड़ी सी गुर्बत है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये ये सारे रेट चल रहे हैं, ठीक है। अभी 3-4 से मैंने पता किया है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहा है। तो ऊंट के रेट तो बहुत सस्ते हैं यार, बाकी मुझे लगता है ये गुर्बत की वजह से शायद ऐसा लग रहा है, 50-55 रेट चल रहे हैं, काफ़ी सस्ते हैं। कि वो कैमल जो है ना पीछे रह गया एंड मैं अभी आ गया हूँ दोबारा से सेंटर एरिया पे। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर, जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पे एंड करूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों को पता है कि आपका भाई जो है ना अफगानिस्तान की सीरीज़ पेश कर रहा है, तो देर किस बात की। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मस्त है भाई, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाटा बाय, देख के।